नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनिक्स नोट 30 मोबाइल में आप किस तरीके से बैक बटन की सेटिंग को कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे में बटन्स जो है नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपके फ़ोन में भी बटन्स नहीं दिखाई दे रही या फिर आपको लेफ्ट से राइट बटन करना है, यानी कि बटन आपको दिखाई दे रही है बस उसको चेंज करना है लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट में, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। एंड सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपसे मिल जाएगा सिस्टम। देख पा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं और इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख पा रहे हो एक ऑप्शन मिला है थ्री बटन नेविगेशन, तो आपको थ्री बटन नेविगेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपकी बटन जो है आपके सामने आ जाएंगी। अब अगर आप इस बटन को इधर लाना चाहते हैं तो क्या करना है, मोड सेटिंग दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर वाले पर सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर बटन जो है इस तरफ आ चुकी है। तो इस तरीके से आप जिस तरफ भी बटन रखना चाहते हैं उस तरफ आप इसको रख सकते हैं और इस तरीके से बैक बटन की सेटिंग को कर सकते हैं।